नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 12 मई और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 11 मई और 12 मई से जितने भी करंट अफेयर होंगे तो उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक मध्य प्रदेश करंट अफेयर की PDF चाहिए तो दोस्तों अब इसकी कॉस्ट ओनली 99 रुपीज़ कर दी है और ये कुछ ही टाइम के लिए रहेगी, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बात करें हम दिवस की तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 2 मई को वर्ल्ड टूना दिवस मनाया जाता है, 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों आज है 12 मई और 12 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। तो दोस्तों नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगल, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगल के जन्म दिवस पर हर साल दुनिया भर में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ था और इस दिवस को वर्ष 1953 में पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद ने इस दिवस को पहली बार कब मनाया था दोस्तों, 1965 में मनाया था। और इस साल यानी 2022 की अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम क्या है दोस्तों, तो नर्स ए वायर्स टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ, ठीक है, तो इसकी थीम याद रखिएगा, थीम नर्स ए वायर्स टू लीड इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड अदर राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1899 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, ग्रीनफील्ड योजना में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शामिल हो सकता है दोस्तों, तो ये ग्वालियर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में 9 से 12 मई 2022 तक मध्य प्रदेश पवेलियन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों, तो ये दुबई में किया जा रहा है। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले के श्री सागर शर्मा को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में प्रशस्ति पत्र मिला है, तो ये दोस्तों हरदा के है, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, हरदा जिले के श्री सागर शर्मा को राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता में प्रशस्ति पत्र मिला है। और दोस्तों भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, सुशील चंद्रा। और दो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है दोस्तों, तो ये एक राजू कुमार है और एक अनूप चंद्र पांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में जबलपुर जिले के परसवाड़ा में आयुष स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल जी के द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, रवि विजय कुमार मलिमथ हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों, और गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रतिपक्ष नेता किसे नियुक्त किया गया है, तो ये श्री गोविंद सिंह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस जिले की कोयना दीक्षित एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों, हमारे भोपाल की कोयना दीक्षित एशियन शूटिंग बॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के द्वारा राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI के द्वारा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, ये हमारे मध्य प्रदेश में पहली बार किया गया है। और बात करें हम यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरमैन कौन है दोस्तों, मनन कुमार मिश्रा है। दोस्तों बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इंदौर में संगोष्ठी आयोजित की गई और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति समेत अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए और इस संगोष्ठी का विषय क्या था दोस्तों, न्यायालय की तकनीक और न्याय तक पहुंच बदलते दृष्टिकोण। मुख्य रूप से इस बात पर चर्चा की गई कि न्यायालय में प्रकरणों की बढ़ती हुई संख्या को देखते तकनीक का बेहतर उपयोग कर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जा सकता है। और इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस संगोष्ठी में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति MA खानविलकर, न्यायमूर्ति JK महेश्वरी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मलिमथ, तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश SC शर्मा, कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे राजेंद्र मेनन सहित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की विभिन्न पीठों में पदस्थ न्यायमूर्तिगण शामिल हुए। और दोस्तों हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये NV रमन्ना है,
ठीक है, तो याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों, तो ये दिल्ली में है। और बात करें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, तो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी दो खंडपीठें हैं, एक तो इंदौर में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। तो इन दोनों खंडपीठों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1968 में की गई थी। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, 1956 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मध्य प्रदेश के किस जिले में अपनी नई ब्रांच खोलेंगी दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर कैसे होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये देश की कौन सी ब्रांच होंगी दोस्तों, NIA की 13वीं ब्रांच होंगी, तो ये भी याद रखिएगा। तो बात करें हम यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, तो देखिए इसकी स्थापना कब की गई थी, जो मुंबई हमला हुआ था दोस्तों 2008 में, उसके एक साल बाद 2009 में NIA की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों। और इसके अभी डायरेक्टर जनरल कौन है, कुलदीप सिंह है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है दोस्तों, होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और अभी होम मिनिस्टर कौन है हमारे देश के, अमित शाह जी है। तो दोस्तों MP में आतंकवादी संगठन सीमी के घुसपैठ, राजधानी भोपाल में सीमी आतंकियों का जेल ब्रेक, और फिर बांग्लादेशी आतंकियों की गिरफ्तारी के चलते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना दफ्तर भोपाल में खोल रही है। और NIA अधिकारियों ने इस सिलसिले में DGP सुधीर सक्सेना से भी मुलाकात की है। इस ब्रांच में NIA के अधिकारी बैठेंगे, IG या फिर DIG रैंक के अधिकारी इस ब्रांच के प्रमुख रहेंगे। और NIA की देश में ये 13वीं ब्रांच होगी जो MP में खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाएगा दोस्तों, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इंदौर। और स्टार्टअप नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन सा है, तो वो भी मध्य प्रदेश है दोस्तों। और मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कब किया जाएगा, तो ये 13 मई को किया जाएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअल इसका शुभारंभ करेंगे। तो 10 मई 2022 को मध्य प्रदेश के MSME सचिव P नरहरि ने बताया है कि मध्य प्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2022 इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 13 मई को आयोजित किया जाएगा। और 3 सत्रों में होने वाले इस कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम सत्र में वर्चुअली जुड़कर मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति एवं पोर्टल का शुभारंभ कर सत्र को संबोधित भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश के चुनिंदा स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का संग्रह जारी किया जाएगा। इसमें 3 घटक सम्मिलित रहेंगे, जिसमें सेक्टोरल सेशन, स्टार्टअप एक्सपो और प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में स्टार्टअप नीति का शुभारंभ होगा। स्पीड मेंटरिंग सत्र में MPTIE के सहयोग से स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्टार्टअप स्पेस के प्रमुख लीडर्स मिलेंगे और संवाद करेंगे। फंडिंग सत्र में स्टार्टअप और संभावित उद्यमी Tier 1 और Tier 2 शहरों में फंडिंग के विभिन्न तरीकों पर संवाद करेंगे। पिचिंग सत्र में स्टार्टअप निवेशकों के साथ सहयोग के अवसरों पर चर्चा और फंडिंग के लिए अपने आइडिया को प्रस्तुत करेंगे। स्टार्टअप के इकोसिस्टम सपोर्ट सत्र में प्रतिभागी यह जानेंगे कि उनकी ब्रांड वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए और MP स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हरियाणा में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में निम्न में से किस खेल को शामिल किया गया है, तो ये कालीरपट्टू, गतका, मलखम और थांगता चारों को। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, उपरोक्त सभी। और दोस्तों इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हमारे मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखम्ब को भी शामिल किया गया है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों हरियाणा में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण है, तो ये 4th संस्करण है, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम के संस्करण की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी दोस्तों, ये 2018 से हुई थी, ठीक है। और जो 2018 का आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था। तो संस्करण कहाँ पर किया गया था दोस्तों, इसका पुणे में किया गया था, ये 2019 में किया गया था। और जो 3रा संस्करण है इसका दोस्तों असम में आयोजित किया गया था, और ये 2020 में आयोजित किया गया था, ठीक है। और ये इसका कौन सा संस्करण है, 14th संस्करण है, और ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। और दोस्तों पॉसिबिलिटी है कि जो 5वां संस्करण का आयोजन है वो हमारे मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4था संस्करण 4 से 13 जून तक हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। और इसमें देश भर से 8,500 एथलीट भाग लेंगे। जया काला हिरन और विजय बाघ शुभंकर है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा के पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए लोगो, गान, जर्सी और शुभंकर का शुभारंभ किया। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए हरियाणा का शुभंकर क्या है, तो ये धाकड़ है, ठीक है।
और पारंपरिक खेलों के संरक्षण का आह्वान करते हुए केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि 5 पारंपरिक खेल अर्थात गतका, कलारीपयट्टू, थांगता, मलखम्ब और योगासन खेल आयोजन के इस संस्करण का हिस्सा होंगे। और दोस्तों बात करें यहाँ पर मलखम्ब की, तो देखिए मलखम्ब के क्षेत्र में दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों अभी हाल ही में 2020 का स्वर्गीय प्रभात जोशी खेल पुरस्कार किसे मिला है, वैष्णव कहार को मिला है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से, दोस्तों उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की मलखम्ब एकेडमी का मुख्यालय भी कहां पर है, तो ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में है। तो कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों, तो ये 1 फरवरी 1994 को किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 फरवरी 1994। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो ये एक संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 243 की राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका गठन कब किया गया था, 1 फरवरी 1994 को। इसका मुख्यालय भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों, और इसके प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, श्री NB लोहानी थे, और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, श्री बसंत प्रताप सिंह जी है। तो ये श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल जी के द्वारा की जाती है। और अभी हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, श्री मंगूभाई पटेल है। इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। तो इनको हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति के द्वारा संसद में महाभियोग प्रस्ताव पास होने के बाद। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन सर्वे तथा 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत किया गया था। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये MPPSC 2020 के प्री में पूछा भी गया था, ठीक है। तो खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी कहां पर स्थित है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या झाबुआ। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।